हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। दोस्तों, चंडीगढ़ में होने वाली 26 जनवरी की परेड देखने के लिए हम सेक्टर 17 स्थित परेड ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं परेड की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब से लगभग आधे घंटे के बाद परेड शुरू हो जाएगी। परेड का टाइमिंग पौने 10 बजे रखा गया है और यहाँ पर आम पब्लिक भी आ सकती है, किसी भी तरह के पास की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे गेट नंबर 8, 9 और 10 से इस परेड को देखने के लिए परेड ग्राउंड में एंटर कर सकते हैं। कुल मिला के काफ़ी अच्छा माहौल है और काफ़ी घना कोहरा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें इस परेड को काफ़ी शानदार बना रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सेक्टर 17 में हो रही 26 जनवरी के परेड को कवर करेंगे और आपको डिटेल में पूरी की पूरी परेड दिखाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से भी पब्लिक की एंट्री आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बैठने के लिए इस तरह का अरेंजमेंट बनाया गया है जहाँ पर आम पब्लिक आराम से बैठ सकती है। साथ ही आप देख सकते हैं परेड करने के लिए तैयार सेना के यानी कि पुलिस के जवान और NCC कैडिट्स, NSS कैडिट और स्कूल के छात्रों द्वारा प्रदर्शन भी यहाँ पर होने वाला है। ये आप देख सकते हैं कोहरे की वजह से इमेज थोड़ी सी डाउन दिख रही है, लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको अनुभव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा लगने वाला है यहाँ पर आने के बाद। चलिए दोस्तों, अब हम परेड देखना शुरू करते हैं और आपको डिटेल में परेड से जुड़ी जानकारियाँ देंगे। दोस्तों, अब कुछ ही क्षणों में 26 जनवरी की परेड शुरू होने वाली है। लोग सीटों पर बैठ चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग अभी आ रहे हैं। अब देख सकते हैं सेना और NCC के कैडेट्स परेड के लिए तैयार खड़े हो चुके हैं और झांकियां भी तैयार हैं। बस एडवाइज़र के आते ही परेड शुरू हो जाएगी।